हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो बस अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ छत पे। तो बस ब्लॉग सुबह से ही मैंने मॉर्निंग से अपना स्टार्ट कर दिया है, तो बने रहिए एंड तक। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और लंच के लिए ये मैंने सब्जी बनाने रख दी है, क्योंकि मेरे बच्चों को सिर्फ आलू पसंद है टिफिन में ले जाना। अगर पराठा वगैरह पूड़ी के साथ रखना है तो आलू ही बनाने पड़ते हैं। तो बस अभी आलिया को उठा दिया है और अब उनकी सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ एक जगह। आलिया उठ चुकी हैं, इनाया भी सो रही हैं, ये अपने काम पे लग गए हैं सुबह सुबह। तो बस यहाँ पर अभी आलिया कर रही है ब्रश। कल मैंने ये कांच खोल दिया, रात में याद आया बंद करने का, है ना ना? इन्हें उठ गया, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम। चलो तो अब नाया भी उठ चुकी है, क्योंकि पहले क्या रहता था, गेट बंद करके रखते थे हम, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है, धूप अच्छी आती है तेज, तो सुबह सुबह में ही जो है ना गेट खोल देते हैं। तो इधर से मुझे लेनी है एक एक इनर, क्योंकि एक एक तो पहनाना पड़ेगी, रास्ते में हवा लगती है इस वजह से। क्योंकि आलिया बोल रही थी कि मम्मी मुझे गर्मी लग रही थी, तो सिर्फ एक एक इनर उनको पहना दूंगी अंदर। तो बस यहाँ पे नाया का ब्रश हो रहा है और आलिया का ब्रश हो चुका है। चलो चलो, हमारा इनाया स्कूल जा रहा है आज, मेरा इन खुश होके जा रहा है ना। आज इनाया का पार्सल आने वाला है, बर्थडे भी आ रही है। चलो बैठो, तो बस अभी पानी डाल दिया है, लेकिन अच्छे से नहीं डला है, क्योंकि जो लेजम है ना हमारी इतनी सी यही है, क्योंकि इसमें बड़ी लेजम थी वो फट गई तो मैंने काट दी थी, अब मुझे इसमें दूसरी लेम लगवानी है। लेम तो रखी है, लेकिन बस उसको लगाना है इसमें, तो लगवाऊंगी फिर अच्छे से पानी डालूंगी। और कल जो है ना हमने ये वाला, मतलब यहाँ पे ना आधी ईंट तो मसाले के साथ लगी हुई थी, लेकिन आधी ईंट ना ऐसे ही जमी हुई थी, तो वो क्या गिर जाती थी, तो वो लगवाई है मसाले में, और ये यहाँ पे पट्टियाँ लगवाई है। तो बस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और पहले बना लेते हैं नाश्ता, फिर अपने काम करते हैं, क्योंकि आज मुझे छत की भी सफाई करनी है साथ ही साथ, तो क्योंकि कल काम हुआ था तो रेत सीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले बनाती हूँ मैं पराठे, क्योंकि यहाँ आटा है 2 पराठों का, आलू की सब्जी भी बची हुई है, तो चाय बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये नाश्ता करते हैं, और सुबह सुबह थोड़ा ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में काम करते हैं। तो बस यहाँ पराठे बन गए हैं और ये वही ब्रेड बना रही हैं जो मैंने परसों बनाई थी बच्चों के लिए, तो इनको जो है ना पसंद आई थी, तो इन्होंने बोला था कि मेरे लिए नाश्ते में बनाना, तो बस बना रही हूँ। और उस दिन मैंने इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, लेकिन आज मैंने ना इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि मीठे में अगर इलायची पाउडर नहीं हुआ तो फिर इतने अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। तो बस ये बन रही है और इधर मेरी चाय बन रही है, तो बस ये हमारा नाश्ता है।
तो बस यहाँ पे सारा कुछ क्लीन हो गया है। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं और ये सारा कुछ क्लीन कर दिया है। अब लगाते हैं झाड़ू। और हमारे घर में ना चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ आती है क्योंकि सारी खिड़कियों पे ना चिड़ियाँ बैठी रहती हैं। ये देखो ये बैठी है मैडम, और मुझे क्या लगता है कि अंदर आ गई, लेकिन आज अंदर आ भी गई थी चिड़ियाँ भी। ये देखो ये बैठी है, ये दो दो दो, ये देखो इस साइड ना चिड़ियाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो चारों तरफ खिड़कियों पे ये चिड़ियाँ रहती हैं और आज ना ये अंदर भी आ गए हैं क्योंकि गेट खुला हुआ है ना इधर का जीने का, तो कहीं से भी ये आ चुकी हैं। तो मैं फिलहाल खोल देती हूँ खिड़की क्योंकि ये रास्ता भटक जाती है, रास्ता ढूंढती है। तो यहाँ पे मैंने खिड़की खोल दी है, कांच खोल दिया है, तो ये निकल जाएंगे। ये देखो जाओ जाओ बाहर जाओ, इनको मजे आ रहे हैं, इनको हर जगह मतलब वो मिल जा रहा है ना बैठने के लिए जगह, लेकिन ये घोंसले भी बहुत जल्दी बना देते। देखो बैठ गई ना ये कहीं, चलो जाओ दोनों गई जाओ चलो। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ वरना फिर से ही आ जाएंगी। तो फिलहाल इनको कर दिया है बाहर। ये किचन के कपड़े हैं जो धुलने के लिए हैं, तो अभी पहले तो लगाते हैं झाड़ू जल्दी से, फिर छत पे चलेंगे। छत की झाड़ू लगाना, ये देखो जीने की हालत है, रेती रेत हो रही है। तो बस अभी इधर की झाड़ू लग गई है, चेंजिंग रूम की, किचन की, और ये रूम की बालकनी की। तो अभी ये हॉल बाकी है, अभी तो मतलब इतना हिस्सा बाकी है सफाई करने के लिए। लेकिन उसी बीच आ गए हैं ये पार्सल, तो पार्सल जैसे ही आते हैं ना वैसे ही खोलने की पड़ती है। तो बस यहाँ पे बॉक्स हमने खोल लिया है और इसमें पहले तो निकला ये ढेर सारा कचरा। ये ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, जिससे हमारा सामान जो भी आया है वो ख़राब ना हो। तो पैकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से देते हैं पूरी सेफ्टी के साथ। तो बस यहाँ पर क्या क्या सामान आ गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ गई है मैगी और ये साबुन। तो इस बार जो है ना मैंने ये वाले साबुन मंगाए हैं और ये फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें आ गए हैं बच्चों के भी आइटम, तो ये आ गई, ये देखो। ये मुझे देख कर ना मैं चौंक गई क्योंकि इतना बड़ा पैक मैंने नहीं मंगाया था, लेकिन ज़्यादा मैंने ML पे जो है ना ध्यान नहीं दिया कि कितने लीटर का है, ML का है क्या है, और ऑर्डर करवा दिया। तो बस ये, अगर कभी कभी कोई चीज़ अच्छे से ध्यान से देखो ना ऑर्डर कर दो तो ऐसे ही बड़ी आ जाती है। तो इतना बड़ा नहीं चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है फिलहाल कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आई हैं और उसके साथ ही आया है ये देसी गुड़, जो कि इन्होंने मंगाया है क्योंकि जो गुड़ आता है ना वो केमिकल वाला रहता है और उसमें मिठास के लिए भी शायद मिलाते हैं, पीला वाला जो रहता है। लेकिन जो ओरिजिनल देसी गुड़ रहता है ना वो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि इतना काला होता है। तो ये मंगाया है, यहाँ पर मिल नहीं रहा था, तलाश लिया था लेकिन मिला ही नहीं, तो इसलिए ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन मिल रहा था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कितना काला है और थोड़े से इसमें जो है ना लकड़ी वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन ये ओरिजिनल देसी गुड़ है, देसी गुड़ ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे ये भी आ गया, तो ये 1 किलो मंगाया है। अब इसको टेस्ट करेंगे कैसा है, अभी तो नहीं किया था, देखेंगे फिर आप लोगों को बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बस यहाँ पे ये सारा सामान अभी फिलहाल रख देती हूँ और फिर अपना जो काम है आगे का वो कर लेती हूँ। तो बस अभी और भी सामान आना बाकी है, लेकिन वो अभी 14 तारीख तक बता रहा है, तो बच्चों की उसमें और भी चीज़ें हैं जो अभी आई नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। तो अभी टाइम हो गया है, 2:30 बज गया है और बच्चे आ गए हैं, तो बस अभी अभी रिएक्शन ये बच्चों को जब चॉकलेट मिल जाती है तो बच्चे कितना खुश होते हैं। ये देखो इनकी चॉको सिर्फ सिरप का है ना। हाँ ठीक है। तो ये ना काफी दिन से चॉकलेट सिरप ये मांग रही थी और मैंने जो है ना एमएनली देखा और मैंने इसको जो है ना ऑर्डर करवा दिया, तो इतना बड़ा साइज आ गया। पसंद खिलौना पसंद नहीं है, बस चॉकलेट पसंद है। और और मैं ना बोर्नविटा भी करवाया था, तो बोर्नविटा तो फिर बड़ा ही कराता। गर्मी लगी आज, बहुत गर्मी है। छे क्या है, छे क्या हो रहा है, मुझे कौन सा। तो बस यहाँ पे बन चुकी है खिचड़ी, तो ये मैंने वेजिटेबल खिचड़ी बनाई है, तो बस यहाँ पे बढ़िया सी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये मैं निकाल लेती हूँ खाने के लिए। पहले मैं बच्चों को खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं अपना खाना साथ में निकाल लेती हूँ ना, तो फिर मेरा खाना ठंडा हो जाता है जब तक मेरी खाने की बारी आती है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, इन दोनों को पहले मैं खिला देती हूँ। और बस उसके बाद जो है ना बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, तो यहाँ पे आलिया चली गई अपनी फ्रेंड के साथ और इनाया जा रही है आर्यन मामू के साथ, तो बस आर्यन छोड़ने जा रहा है। तो बस अभी बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और अभी मुझे जाना है छत साफ करने के लिए, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि दूध लेकर आ जाऊँ, क्योंकि दूध का टाइम होने में ना अभी 25 मिनट बाकी हैं और छत साफ होने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। धोऊंगी मैं उसको, क्योंकि सीमेंट झाड़ने से ठेगी नहीं, तो धो डालूंगी उसको। और छत, वैसे मैंने सोचा तो मैंने आप लोगों से ही बोला था कि छत साफ करूंगी साथ ही साथ, लेकिन मैं गई भी थी लेकिन धूप बहुत तेज थी, तो आज एहसास हो गया कि गर्मियां आ गई हैं। तो अभी तक तो जो है ना रोज रोज मैं गाती रहती थी आज सर्दी है सर्दी है सर्दी है, लेकिन अब जो है ना मतलब तेज धूप 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन इतनी नहीं लग रही थी जितनी आज लगी है। बहुत तेज धूप थी और आज मतलब गर्मी की शुरुआत हो गई आज से। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मियां हैं। तो चलो अब मौसम तो बदलते ही रहेंगे, अब गर्मी आने का टाइम हो गया तो गर्मी आएंगी ही। और बस अभी फिलहाल मैं बैठ गई थोड़ा सा टीवी देखने के लिए, मतलब बिग बॉस देखने के लिए, क्योंकि रात में मैंने बिग बॉस देखा नहीं था। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम है, जब तक जितना दिखेगा उतना देख लूंगी, फिर मैं रात में देखूंगी, मतलब अपना काम करने के बाद।